अभी के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है महिलाओं के लिए तो वो है अनहाइजीनिक रहना, उनके प्राइवेट एरिया में अक्सर इन्फेक्शन लगते रहना, यूटीआई की प्रॉब्लम होना, इरिटेशन होना। और कहीं ना कहीं ये होता क्यों है, तो ये होता है उनके पीरियड्स के दौरान की गई गलतियों के कारण। अभी भी आप चले जाओगे गाँव में तो महिलाएं पैड यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत महंगे आते हैं। मार्केट्स में बहुत महंगे महंगे पैड हैं, और एक मिडिल क्लास लोगों के लिए या लोअर क्लास लोगों के लिए अक्सर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पैड अवेलेबल करवाना मुमकिन नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं महिला जो है या लड़कियाँ जो हैं, इस ज़्यादातर महंगाई के कारण वो कपड़े यूज़ करती हैं, और गंदे गंदे कपड़े यूज़ करने के बाद वो क्या होता है कि उनको इन्फेक्शन जल्दी लगता है, और कहीं ना कहीं वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाती हैं, गर्भधारण करने में मुश्किलें आ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण। पॉलीथीन पैड्स यूज़ करना, सस्ते पैड्स को खोज के, या फिर बार बार कपड़ा लेना, अनहाइजीनिक या गंदे कपड़े को यूज़ करना, इसके कारण कई ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं महिलाओं में। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ ये दो वेरिएंट्स के एवरटीन के पैड्स हैं। इसमें आपको कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर मिलेगा। ये दोनों ही पैड एक्सल पैड्स हैं, और 20 पैड्स हैं इसमें। बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, 95 रुपये और 100 रुपये में आपको 20 पैड्स मिल जा रहे हैं। तो इससे सस्ती और क्या चीज़ हो सकती है। पहला एवरटीन कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर, और दूसरा एवरटीन कॉटनी ड्राई टॉप लेयर। ये दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हैं, और साथ में ही ये दोनों आपको 20-20 पैड एक्सल पैड्स मिलेंगे, जो कि नीम और सैफ्लावर की खुशबुओं के साथ हैं। नीम आपके रैशेज, इरिटेशन, यूटीआई इन्फेक्शन को ख़त्म करने में कारगर साबित होगा, और सैफ्लावर जो पीरियड्स के दौरान जो गंद, बदबू, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो प्रॉब्लम दूर होगी। ये स्किन फ्रेंडली है, एंटी रैशेज है, और एंटी टैनिंग खूबियों के साथ है, एडवांस लीक प्रोटेक्शन के साथ है, लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑडोर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ है, जो बदबू पैड से आने लगती हैं अगर आप 3-4 घंटे यूज़ करते हो तो, फ्लो अगर ज़्यादा है जिन महिलाओं को तो बहुत जल्दी बदबू बाहर आने लगती है, तो वो बदबू को पकड़ के रखता है, रोकता है। एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड है, और इसके वाइड विंग्स हैं। कई महिलाओं को अगर पैड यूज़ करने नहीं आता या यूज़ करने की आदतें नहीं हैं तो उनको इरिटेशन होने लगता है, तो इस पैड में वो इरिटेशन को रोकता है, पैड यूज़ करने के हैबिट्स को आपको बढ़ाता है, और साथ में लीकेज की बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लो है तो लीकेज बार बार होने लगता है, तो ये लीकेज कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ है दोनों ही। बहुत ही सस्ते दामों में है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला को पैड यूज़ करना चाहिए पीरियड्स के दौरान। गंदे कपड़े या फिर आप पॉलीथीन वाले पैड्स यूज़ कर रहे हो तो अब बहुत सारी बीमारियां महिलाओं में हो रही हैं, जो कि खासकर इनफर्टिलिटी को जन्म दे रही हैं। तो आज ही आप एवरटीन के पैड्स को परचेस करने के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके परचेस कर सकती हैं। ये डिलीवरी के बाद होने वाले हेवी फ्लो होते हैं उसके लिए भी सही है। जो एब्जॉर्ब करने की पावर है दोनों पैड्स की, वो काफ़ी ज़्यादा है। लंबे समय तक ये लीकेज की प्रॉब्लम को तो रोकता ही है, साथ ही अच्छे देर तक हेवी फ्लो को एब्जॉर्ब करता है। कॉटन पैड्स है, पॉलीथीन नहीं, कॉटनी लेयर है, इसलिए आपको इरिटेशन या रैसेज नहीं होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको ऑर्डर देने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप परचेस कर सकती हैं। धन्यवाद।